नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या, नमस्कार संस्कृता। आज हम आप लोगों को माहेश्वर सूत्र पढ़ाएंगे। माहेश्वर सूत्रों को प्रमुख चार भागों में बांटा गया, इनके अलग अलग नाम दिए गए। जैसे हमारा माहेश्वर सूत्र में 14 सूत्रों का वर्णन किया गया था, इस वजह से इसे हम सबसे पहले चतुर्दश सूत्र के नाम से जानते हैं। शिव सूत्र नाम दिया गया इसका, क्योंकि महर्षि पाणिनि ने शिव की आराधना करते हुए, शिव की घोर तपस्या करके शिव सूत्र को, शिव जी को प्रसन्न किया, भगवान शंकर को प्रसन्न किया, प्रसन्न करके उनके डमरू द्वारा 14 बार डमरू को बजाया गया। उस 14 बार बजे हुए डमरू की आवाज को उन्होंने सुन करके 14 सूत्रों को लिपिबद्ध किया, जिसको लिपिबद्ध करने के लिए एक श्लोक के नाम से श्लोक उन्होंने लिखा। नित्यावशाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंच वाली, अर्थात तपस्या, घोर तपस्या करने के बाद, पाणिनि की घोर तपस्या के बाद शिव जी प्रसन्न होकर के नित्यावशाने, नित्य के अवसान में, नित्य के बाद में नटराज राज भगवान शिव जी ननाद ढक्काम, ननाद में डमरू को बजाया। डमरू को बजाया कितनी बार बजाया? नौ पांच अर्थात 14 बार डमरू को बजाया। ऊर्ध्व कामा शनकादि सिद्धम, ऊर्ध्व कामा शनकादि सिद्धों की उद्धार के लिए, शनकादि सिद्धों की उद्धार के लिए शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र के जाल को फैलाया। जैसे उन्होंने डमरू की आवाज को जो बजाया, तो महर्षि पाणिनि ने उसे अयम रिलिक एवं अयोज हयवरट लड यमंगड़नम झव घड़दश जब घड़दश खप छटत चटत कप सर हल। इस 14 बार बजाए गए डमरू को 14 सूत्रों में, जाल में सूत्र जाल लिखा गया, एतद् मर्से शिव सूत्र जालम। इस प्रकार से 14 बार बजाए गए डमरू को 14 सूत्रों में लिपिबद्ध किया। इन सूत्रों को हम अन्य नामों से जानते हैं, जिसे चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। चतुर्दश सूत्र इसलिए कहा जाता है, चार और दस को संस्कृत में हम 14 लिखते हैं। शिव सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिव जी के बजाए गए डमरू की आवाज को सुन करके महर्षि पाणिनि ने इसे लिपिबद्ध किया, इसीलिए इसे शिव सूत्र भी कहा जाता है। माहेश्वर सूत्र भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि माहेश्वर सूत्र, भगवान शिव को महेश भी कहा जाता है। और प्रत्याहार सूत्र हमारा है, प्रत्याहार सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी 14 सूत्रों के द्वारा, 14 सूत्रों में 42 कुल 57 वर्णों का प्रयोग किया गया है, जिसमें से 14 हमारे संज्ञक वर्ण है। 14 इस संज्ञक वर्णों को हम निकाल देते हैं। इस संज्ञक वर्ण या रा हा ला शा वा खा ता रा, ये सभी हमारे संज्ञक वर्ण है। इस संज्ञक वर्ण जो हलंत वर्ण होते हैं, इनकी गणना हम प्रत्याहार में नहीं करते हैं, क्योंकि प्रत्याहार सूत्र इसी माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार का निर्माण किया गया। तो ये हमारा आता है 43 वर्ण। 43 वर्ण में हा हमारा जो है, हा का प्रयोग 2 बार किया गया है। हा का प्रयोग 2 बार होने के कारण, क्योंकि वर्ण समान है, वर्ण समान होने के कारण इसमें से एक हा को हटा दिया जाता है। कुल वर्णों की संख्या हमारी आती 42। इन्हीं 42 वर्णों में 42 प्रत्याहार की नियुक्ति की गई है। दीर्घ में अक प्रत्याहार आता है, अक
अक प्रत्याहार में, अक प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे आते हैं आ, ई, ऊ, री और ली। तो ये हमारे जो वर्ड हैं, ये पहले और दूसरे सूत्र वाले जो वर्ड होते हैं वह हमारे अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है और किन किन वर्णों का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर हमारे जैसे हमारा आता है, आप लोग क्वेश्चन भी देखे होंगे पिछली परीक्षाओं में, प्रश्न आए भी हुए हैं कि ये अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार है क्या। अच प्रत्याहार हमारा अभी आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया है कि स्वर्ण, स्वर्ण हमें नौ माने गए हैं, स्वरों की संख्या नौ मानी गई थी, वो नौ स्वर जो है चार सूत्रों में वर्णित किए गए हैं। प्रथम चार सूत्रों में, महेश्वर सूत्र के प्रथम चार सूत्रों में स्वर वर्णों का वर्णन किया गया है। जैसे देखिए, तीन, दो पांच, दो सात और दो नौ, ये हमारे आपको संस्कृत वर्णमाला में नौ स्वरों का प्रयोग किया गया था। वो नौ स्वर जो होते हैं अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अच को एक नाम से जाना जाता है, स्वर सूत्र के नाम से, अच प्रत्याहार को स्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। इसे अच सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि अच स्वर सूत्र क्यों कहा जाता है, इसमें केवल और केवल स्वर वर्णों का वर्णन किया गया है आ से लेकर के चार, क्योंकि इसमें ढा भी आया है, का भी आया, अंग भी आया है। तो इसमें हमने बताया कि चौथा वर्ण जो आपके संज्ञक वर्ण है, इस संज्ञक वर्णों को हटा दिया जाता है। जब हम प्रत्याहार की गणना करते हैं तो पहले और अंतिम वर्णों के बीच में, चाहे वो अक प्रत्याहार हो, चाहे इक प्रत्याहार हो, चाहे इंग प्रत्याहार हो, चाहे उक प्रत्याहार हो, जो भी होगा, बीच के संज्ञक वर्णों को हम हटा देते हैं। यही प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपके, जैसे अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर बीच में डाल भी दे दिया जाता है। जैसे आपको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा आ, ई, ऊ, री, ढा भी बीच में दे दिया जाएगा, री, री और का भी दे दिया जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि हमें इस संज्ञक वर्णों को नहीं रखना है। जब हम इस संज्ञक वर्णों को हटा देते हैं तो हमारे सही आसन क्या हो जाते हैं, आ हो जाता है, ई हो जाता है, ऊ हो जाता है, री हो जाता है और ली हो जाता है। ये हमारे प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब बात आई व्यंजन वर्णों की, कि महेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण जो है वो किस सूत्रों में रखे गए हैं, तो वो सूत्र के अंत में अंतिम अंतिम दस सूत्रों में, अंतिम दस सूत्रों में रखे गए हैं, जिसे हम हल सूत्र कहते हैं। हल सूत्र ह से लेकर के ल तक, ह से लेकर के ल तक के जो भी सूत्र आते हैं दस सूत्र, इसमें केवल और केवल व्यंजन वर्णों का प्रयोग किया गया है, इसमें किसी प्रकार के स्वर वर्णों का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे हमारा हाइब्रिड है, लड़ है, यमन गणनम है और जब है, घड़दस है, जब घड़दस है, खप चटर चटतो है, कफ है, सरसर है और हल है। तो यहाँ पर अब हम बात आती है, आपने पढ़ा होगा कि यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, यण प्रत्याहार हमारे हल हड़ हड़ प्रत्याहार के अंतर्गत यण आते हैं। तो य से लेकर के ण तक के जो भी वर्ण होते हैं यण प्रत्याहार में हमारे, यण प्रत्याहार में य, व, र और ल, ये हमारे यण प्रत्याहार होते हैं। जैसे यण संधि आपने पढ़ी होगी कि एक प्रत्याहार का यण प्रत्याहार हो जाता है, तो वही चीजें यहाँ है कि यण प्रत्याहार का प्रयुक्त होता है, उसमें चार वर्ण होते हैं, यण प्रत्याहार के अंतर्गत चार वर्णों का प्रयोग किया गया है, य, व, र और ल का प्रयोग किया गया है। फिर आता है उष्मेंजन, उष्मेंजन, उष्मेंजन हमारा क्या है, उष्मेंजन का प्रयोग कहाँ किया गया है, उष्मेंजन का प्रयोग तेरहवें और चौदहवें सूत्र में किया गया है। प्रश्न आया है, ये एग्जाम में सीजीटी की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि उष्मेंजन का
माहेश्वर सूत्र के किसमें किया गया है? तो उसमें जय का प्रयोग 13वें और 14वें में, क्योंकि 13वां आपका है, 13वां हमारा है श ख श, और 14वें भी आता है हमारा ह, तो शाखा शाह ये हमारा उसमें व्यंजन आ जाता है। ठीक, अब बात आती है कि प्रथम वर्ण प्रथमाक्षर और द्वितीय अक्षर हम पढ़ते हैं, प्रथमाक्षर और द्वितीय अक्षर किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं हमारे 11वें और 12वें में। आपने देखा होगा कखा क्या अच्छा और टाठा, तो ये हमारे प्रथम अक्षर और द्वितीय अक्षर हो जाते हैं। प्रथमाक्षर और द्वितीय अक्षर हमारे किसमें आते हैं? 11वें और 12वें सूत्र में। 11वें और 12वें सूत्र में प्रथमाक्षर और द्वितीय अक्षर आ जाते हैं, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, किसका? वर्णों का, वर्गों का, वर्गों का प्रथम और द्वितीय अक्षर जो होता है वो 11वें और 12वें सूत्र में होता है। अब आता है पंचमाक्षर, आपने पढ़ा होगा नासिक की ध्वनियां, नासिक की ध्वनियां क्या होती हैं? जो हमारे वर्गों के पंचमाक्षर होते हैं वे नासिक के होते हैं, जिसे हम यमन गणना नाम नासिका चा के नाम से जानते हैं। सूत्रों में जब हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो वहां पर जो सूत्र बताया जाता है आपको याद करने के लिए, तो यमन गणना नाम नासिका चा ये आता कहां से है? वर्णों का पंचम अक्षर जो होता है वो हमारा इंग्या इंग्या आड़ा ना और मा, ये हमारे सातवें सूत्र में आता है, महेश्वर सूत्र के सातवें सूत्र में आता है। सातवें सूत्र में हमारे नासिक के वर्ण ये ध्वनियां आती है। नासिक की ध्वनियां कौन कौन सी हैं? आपका इंग्या हो गया, इया हो गया, आड़ा हो गया, ना हो गया और मा हो गया, ये सब हमारी क्या है? नासिक की ध्वनियां है। इसे हम पंचमाक्षर के नाम से भी जानते हैं और नासिक के वर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा है आपका माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र के नामों से जाना जाता है, प्रमुख नाम ये है उनके, और इनको माहेश्वर सूत्र को लिपिबद्ध किसने किया? तो माहेश्वर सूत्र को लिपिबद्ध महर्षि पाणिनि जी ने किया था। माहेश्वर सूत्र को महर्षि पाणिनि जी ने, क्योंकि डमरू की आवाज को पहली बार महर्षि पाणिनि जी ने सुना था और लिपिबद्ध किया था। हाँ, डाउट क्वेश्चन आता है इसमें, जैसे आप त्रिमुनी का नाम सुने होंगे कि पतंजलि पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, पाणिनि पतंजलि और कात्यायन लिखा तीनों लोगों ने एक साथ था, लेकिन सुना किसने था? पाणिनि जी ने सुना था। जो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किसने सुना और किसने लिखा, तो लिखा तीनों लोगों ने, पाणिनि जी ने भी लिखा, पतंजलि जी भी लिखा और कात्यायन। और कात्यायन कभी कभी जब ऑप्शन में आता है कि किसने नहीं लिखा, किसने नहीं लिखा, तो कात्यायन जी का नाम हटा करके कात्यायन का नाम वररुचि भी कहा जाता है, कात्यायन को वररुचि भी कहा जाता है। जब क्वेश्चन को घुमाना होता है तो वहां पर वररुचि दे देते हैं, क्योंकि पॉपुलर नेम उनका क्या है? कात्यायन है, तो कात्यायन ही देते हैं। तो पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, ये तीनों लोगों ने इसको एक साथ ही लिपिबद्ध किया था। ये आपका रहा महेश्वर सूत्र, महेश्वर सूत्र में आपको सारे टॉपिक क्लियर कर दिए गए हैं।